जमान खान अपनी बीवी और चार बच्चों के साथ दायकुंडी प्रोविंस अफगानिस्तान में रहता है। वह एक दफ्तर में क्लर्क का काम करता है। कहाँ से आ रही हो बीबी गुल? अपनी दोस्त के घर गई थी इम्तिहान के लिए पढ़ने। वो तो ठीक है, लेकिन बहुत देर हो गई। मगरिब से पहले घर आ जाना चाहिए था। जी अब्बू। जरीना, तुमको बीबी गुल को समझाना चाहिए कि घर जल्दी आए। अंधेरे में बच्ची घर आए और देर तक बाहर रहे तो लोग बुरा समझते हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी बच्ची पढ़ने वाली है, वह पढ़ने गई थी। आपको इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो। हमको अपने माहौल के हिसाब से सोचना चाहिए। ये देखो, ये मुझे क्या मिला है बीबी गुल के बैग में से। ये क्या, आप अपनी बच्ची का बैग चेक कर रहे थे? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कल, बीबी गुल को देखकर कुछ शक सा हो रहा था। तौबा तौबा, कितनी गलत बात है। ये देखो, उसके बैग में पढ़ाई का सामान नहीं, ये मेकअप का सामान था। तो यह कौन सी बड़ी बात है, बच्ची है, उसको भी मेकअप का शौक है। अपनी दोस्त के साथ थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो क्या हो गया। और ये भी देखो, उसके बैग में अंग्रेजी नॉवल है। हमने मना तो नहीं किया था स्कूल जाने से और दोस्त के घर जाने से, लेकिन ये तो अंग्रेजी नॉवल है, ये क्यों पढ़ रही है? मैं उसको समझाऊंगी, आप फिक्र ना करें। जरीना, मेरी नज़र में एक लड़का है, उसके वालिद ने कुछ महीने पहले मुझसे बात की थी बीबी गुल के लिए। लड़का बीबी गुल के लिए, करता क्या है? स्कूल टीचर है, बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का है। लेकिन बीबी गुल तो अभी पढ़ रही है, कम से कम स्कूल तो मुकम्मल कर ले। तुम उसकी चिंता मत करो, साल के आखिर तक शादी करने को कहा है उन्होंने। बीबी गुल, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। लेकिन अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे बीए करना है। देखो, स्कूल तक का वादा किया गया था। तुम्हारे अब्बा कहते हैं कि तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ती हो और यह उनको कबूल नहीं है। मुझे अंग्रेजी सीखने का शौक है अम्मी, ताकि मैं बीए कर सकूं। बेटा, हमको जमाने के हिसाब से चलना होता है। कुछ अरसे में बीबी गुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद वह अपने शौहर के घर में रहने लगती है। वह अपनी सहेलियों से इंग्लिश के नॉवेल्स एक्सचेंज करती है। एक बार की जली अब अपने शौहर से भी छुपकर बढ़ती है। एक साल के बाद बीबी गुल और अब्दुल्ला के घर एक बेटी पैदा होती है। वह अपनी अम्मी के घर आ जाती है, लेकिन फिर भी उसका छिपकर किताबें पढ़ना जारी रहता है। अरे ये क्या, तुमने अभी भी अंग्रेजी की किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा? अम्मी, मुझे अंग्रेजी की किताबों से अपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है यह सीखना है। ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला जान को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह भी तुम्हारे बाबा की तरह गुस्सा करेगा। अम्मी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, किताबें छुपा कर रखती हूँ। बीबी गुल 2 महीने के बाद वापिस अपने पति के घर आ जाती है। एक दिन अब्दुल्ला अपना फोन ढूंढ रहा होता है। मेरा सेलफोन देखा है क्या? नहीं तो। क्या तुम ये किताब पढ़ रही थी? नहीं नहीं। तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी आती है? जी बस थोड़ी बहुत। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह किताब तो बच्चे की तरबियत के बारे में है, बहुत अच्छा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी यह किताब पढ़ने से? बिल्कुल भी नहीं, एक पढ़ी लिखी माँ तो बच्चे के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन मैं पढ़ी लिखी कहाँ हूँ, मैंने तो कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी। मेरे स्कूल में इतने अच्छे नंबर आते थे, सारे उस्ताद कहते थे कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। हाँ तो फिर बनी क्यों नहीं? क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी शादी कर दी, उनको मेरा अंग्रेजी की किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। देखो, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ भाई बिल्कुल सच। 3 महीने बाद कॉलेज एंट्रेंस के लिए मेरा कानकोर एग्जाम है, क्या मैं उसकी तैयारी कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल करो, लेकिन बेबी के साथ तुमको टाइम मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, जहाँ चाह वहाँ रह। गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बीबी गुल दिन रात
अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए लगकर पढ़ाई करती है। देखिए, यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। मैं सोच रही हूँ कि अपने एग्जाम छोड़ देती हूँ, अगले साल दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम एग्जाम के लिए जाओ, बेबी को मैं देख लूंगा। लेकिन यह तो रोए जा रही है, 5 घंटे का एग्जाम है, यह रह नहीं सकेगी। तुम एक काम करो, बेबी को अपने साथ ले जाओ, मैं एग्जामिनर से परमिशन ले लूंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही इंतजार करूंगा। बीबी गुल अपनी बच्ची को साथ लेकर एग्जाम देने के लिए जाती है, पर उसकी बच्ची बहुत बेचैन हो रही होती है, जिसकी वजह से वह अपने एग्जाम पर ध्यान नहीं दे पाती। अपनी बच्ची को शांत करने के लिए वह जमीन पर बैठकर अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिटा लेती है और अपना एग्जाम देना जारी रखती है। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आता है और बीबी गुल पास हो जाती है। बीबी गुल मुबारक हो, आप पास हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब बस कॉलेज की तैयारी करो, लेकिन कॉलेज तो यहाँ से काफी दूर है। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं उसका भी बंदोबस्त कर लूंगी। बच्ची को अम्मी के पास छोड़ कर जाऊंगी, सब हो जाएगा। तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मैनेज कर लोगी। सभी लड़कियां बहादुर होती हैं, सिर्फ मर्दों को उन पर भरोसा नहीं होता, जैसे आपको है। बीबी गुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या आपके ख्याल में सभी लड़कियों को बीबी गुल की तरह पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए? यह देखा गया है कि लड़कियों को पढ़ाने से उनकी सेहत और इकोनॉमिक हालत में बेहतरी आती है, और उससे उनके बच्चों, परिवार और पूरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचता है।